साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉक में। आज हम द साइंस टॉक में अपने यूपी ट्रिपल सी पैट सीरीज में एक नया सेट लेके आया। उम्मीद है आपको सेट बहुत पसंद आएगा। इसमें मैं हर एक टॉपिक से 5 प्रश्न लिए हैं और ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। और लगातार अपने कमेंट में बताते रहिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ 45 क्वेश्चन है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन हमारे पास ए रावी, बी सिंधु, सी भोगवा, डी सतलज। तो ऑप्शन आपको बताना है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए रावी। जो हड़प्पा है आपका वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मतलब उनको परिनिर्वाण या निर्वाण उनको कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी पावापुरी, सी गया और डी मथुरा। महावीर स्वामी जी की बात हो रही है तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पावापुरी। उनको जो है पावापुरी में ही अपना निर्वाण प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चाणक्य और डी विशाखा दत्त। तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं या इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वही अर्थशास्त्र के लेखक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे या कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी पतंजलि और डी समुद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त थे वही आपके परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरम दली आंदोलन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए या इसको उग्र भी कह सकते हैं उग्रदल, ऑप्शन ए लाल लाजपत राय, बी विपिन चंद्रपाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, ठीक है? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी जॉर्ज यूल। तो आपके जो जॉर्ज यूल साहब थे वही आपके प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सी आर दास। तो ऑप्शन बी जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ स्पर्श करती है? देश की बात करें किस देश के साथ स्पर्श करती है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन या चाइना। तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी नेपाल। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है आपका वो नेपाल के साथ टच करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे कम है? हमें ये बताना है किस धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। इसका सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध लोगों की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी, मतलब कितने मंडल? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 18। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना, हमसे क्या पूछा है जनसंख्या घनत्व कितना? ऑप्शन ए 912, ऑप्शन बी 826, ऑप्शन सी 829, ऑप्शन डी 1101। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 826। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है और जो 912 देख रहे हैं आप ऑप्शन ए वाला,
ये हमारा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। क्या हमारा लिंगानुपात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्रमाण विद्युत केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए हरदुआगंज अलीगढ़, ऑप्शन बी नरोरा बुलंदशहर, ऑप्शन सी आंवला फूलपुर, ऑप्शन डी आपका गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नरोरा बुलंदशहर, जो है वही भारत का एकमात्र, सॉरी भारत में उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्रमाण विद्युत केंद्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी एनी बेसेंट जी थी, वही भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी माजुली, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी मेनेटू। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेनेटू, यही सॉरी ऑप्शन बी माजुली, यही भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? ऑप्शन ए पटना साहिब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अमृतसर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतसर, वहीं पे ये आपका सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए सोवियत रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका, क्योंकि देखिए चंद्रमा पर मतलब जो कदम रखे, ठीक है, वो तो यूरी गागरिन मतलब वो अंतरिक्ष यात्री थे, कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला बोल रहा है, ठीक है, चंद्रमा पर भेजने वाला, तो हमारा ऑप्शन बी आपका अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन बी भारत और म्यांमार, ऑप्शन सी चीन और रूस, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो माइलस्टोन भारत में कहाँ पर स्थित है? जीरो माइलस्टोन भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी नागपुर, जिसको ब्रिटिशों ने भारत में स्थापित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी सूर्य किरण जिसको कोरोना भी कहते हैं, ऑप्शन सी क्रोड, ऑप्शन डी दीप्ति मंडल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोरोना या सूर्य किरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाह्य ग्रह नहीं है? हमें बताना नहीं है, ठीक है, जैसे इंटरनल ग्रह होते हैं एक्सटर्नल ग्रह होते हैं, तो हमको बताना है कौन सा इसमें वाह्य ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी अरुण। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो मंगल है वो आपका वाह्य ग्रह नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय प्रायद्वीप, ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप प्रायद्वीप, ऑप्शन डी साइबेरिया प्रायद्वीप। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप, यही जो प्रायद्वीप है वो भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप में बसा हुआ सबसे घना द्वीप कौन सा है? मतलब एशिया महाद्वीप में सबसे बसा हुआ घना द्वीप कौन सा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी जावा। तो सबसे जो घना बसा हुआ द्वीप है वो कौन सा? हमारा जावा द्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 16। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20, इसमें हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24, इसी में हमारा शोषण से विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं 14 से 18, ये हमारा समता है समानता का अधिकार दिखाता है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिखाता है,
और ये हमारा धार्मिक अधिकार दिखाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद सी अनुच्छेद 14, क्योंकि इसी के अंदर हमारा विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है, मतलब इसकी संकल्पना है कहाँ से? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी मूल अधिकारों से, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन डी राज्य के नीति निषेधकत्वों से। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निषेधकत्वों से, जो कि किसमें आपका भाग चार में है, भाग चार में रखा गया है, ठीक है। और आर्टिकल क्या पाएंगे आप? आर्टिकल लगभग 36 से लेकर 51 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। तो जो साम्यवादी राज्य का कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, बाकी तीनों तीनों क्या है? भारतीय संविधान के दर्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए महबूब उल हक, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था जो कि पाकिस्तान के नागरिक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं, मतलब कौन सा कार्य जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती? ऑप्शन ए जनता से जमा को स्वीकार करना, ऑप्शन बी सरकार का बैंक, ठीक है, ऑप्शन सी नोट निर्गमन, ऑप्शन डी बैंकों का बैंक। तो ये तीनों के तीनों काम है, मतलब बैंकों का बैंक भी है, वो नोटों को जारी भी करता है, और वो सरकार का बैंक है, तीनों के सही है, बट वो जनता से जमा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रिजर्व बैंक की कोई शाखा तो नहीं जहां पर जाकर हम जमा करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यय से, ऑप्शन बी करारोपण से, ऑप्शन से सी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, ऑप्शन डी हवाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शेयर बाजार के इंटरनल ट्रेडिंग से या इनसाइड ट्रेडिंग इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मुख्यतः भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी कोच्ची, ऑप्शन डी खेतड़ी। तो जो स्वर्ण है मेनली भारत में वो कोलार के खानों में पाया जाता है, वही चांदी पूछता है तो क्या बोलते हैं आप? खेतड़ी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। तो आपको पता ही होगा इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था, ठीक है, मतलब विटल फोर्स थ्योरी कहते हैं? ऑप्शन ए कोलबे, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी बर्जीलियस। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बर्जीलियस, क्योंकि इन्होंने ही वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, मतलब किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी शर्करा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन, क्योंकि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्रदान प्राप्त नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागरी खरपतवार निम्न में से किसका मुख्य स्रोत है, मतलब सागरी खरपतवारों से मिलने में क्या मिलता है? ए आयरन, बी क्लोरीन, सी पोटेशियम, डी आयोडीन। तो सागरी खरपतवारों से मिलने हमें आयोडीन प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को तेज करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी शर्करा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एंजाइम, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उसको तेज करने का काम एंजाइम्स करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मूंग और मसूर की दाल का
अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, ऑप्शन बी केवल ऊपरी दिखावा, ऑप्शन सी पुराना गौरव समाप्त होना, ऑप्शन डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल डी बिल्कुल सही है कि अपने औकात से कुछ ज्यादा बढ़कर करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? ठीक है, ए जिसका संबंध मनुष्य से हो जी, ऑप्शन बी जिसका संबंध प्रथा से हो, ऑप्शन सी जिसका संबंध ईश्वर से है, ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से। तो पार्थिव से अपने कोरिलेटी कर लिया होगा, इसका सेंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनही शब्द का तत्सम क्या है? ऑप्शन ए तांबुल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी पर्ण ही, ऑप्शन डी उपाना। तो इसका सेंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपाना, क्योंकि जो उपाना है यही आपका पनही का तत्सम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? मैं बताना, कुशल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दक्ष, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन सी निपुण, ऑप्शन डी प्रवीण। तो इसमें जो देख रहे हैं ऑप्शन बी दक्ष, ये आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे क्या है? कुशल के पर्यायवाची हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रवर, ऑप्शन बी सुवर, ऑप्शन डी कनिष्ठ, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी लघु। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रवर। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।